ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का हॉकी मुकाबला अभी भी 2-1 से इंग्लैंड के पक्ष में है। आधा मैच वहां हो चुका है और ये खबर हम सब तक पहुंचनी जरूरी है कि परसों भारत की पुरुष टीम कौन सी मुल्क के खिलाफ खेलेगी, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। महिला टीम कल खेल रही है दोपहर 1:30 बजे न्यूजीलैंड से ब्रॉन्ज मेडल के लिए, और वो एक स्पॉट है जो फिल किया जाना बाकी है। महिला टीम ने गोल्ड लिया है, सिल्वर लिया है, क्या कल ब्रॉन्ज आएगा। डिफेंडिंग चैंपियंस है न्यूजीलैंड, याद कीजिएगा स्टेसी मिकलसन जैसे खिलाड़ी थे 2018 गोल्ड कोस्ट में, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हाल ही के समाप्त हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था न्यूजीलैंड ने भारत को, मगर वो बात अब समाप्त हो चुकी है। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस तरीके का प्रदर्शन खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ दिया था भारतीय महिला टीम ने, आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा उस टीम का। विश्वास अभी भी पाकर का हिला नहीं है, पीछे जरूर हैं लेकिन मूवमेंट में कोई कमी नहीं। छोटे कद का फायदा यह है कि डक करने में बहुत आसानी होती है, पर आपको अटैक भी करना पड़ेगा। और लेफ्ट जैब लगा है उनके चेहरे पे, ओवर अग्रेशन किसी बॉक्सर ने नहीं दिखाया सिद्धार्थ, बिल्कुल नपीतुली बॉक्सिंग जैसा हमने भारत के रोहित टोकस के बाउट में देखा था वैसा नहीं हो रहा। स्टेप बैक करने का निर्देश आता हुआ रेफरी द्वारा, थीबो जब आप एक सुपीरियर हाइट के बॉक्सर के साथ लड़ते हैं हेड मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। पाकर ने कोशिश ज़रूर की है मगर रेंज इतना ज़बरदस्त है थीबो का, ये देखिए क्या कॉम्बिनेशन लगाए है थीबो ने और क्या जैब के साथ अपने रेंज को ढूंढा है। कोई शक नहीं मुझे दूसरा राउंड भी थीबो के ही पक्ष में है। समाप्त हुआ दूसरा राउंड और थीबो ने कायम किया है वर्चस्व इस मुकाबले पर। नतीजे का है इंतजार और रुकेंगे हम कॉन्फर्मेशन के लिए, मगर सुपीरियर बॉक्सर थीबो है इस मुकाबले में, कोई शक नहीं इस बात का। कई बार हाइट का एडवांटेज ही काफी होता है आपको बॉक्सिंग जितवाने के लिए। थीबो ने फायदा लिया है, इंतजार नतीजे का। राउंड नंबर 2 समाप्त हो चुका है। चार शून्य से आगे हैं इटली के जज ने इस राउंड में 10 पॉइंट दिए हैं पाकर को, लेकिन अभी भी 4-0 से थीबो ही आगे हैं। क्या ये मिनी कमबैक पाकर को प्रोत्साहित कर सकता है आखिरी राउंड में कुछ अद्भुत करने के लिए? मिनी कमबैक से काम नहीं चलेगा सुनील, मेगा कमबैक करना पड़ेगा पाकर को, तभी बात बनेगी। थीबो मेरे लिए काफी आगे इस बाउट में, और एक और जैब जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ थीबो ने पहले जैब्स लैंड करवा दिए हैं इस तीसरे और आखिरी राउंड में। अगला मुकाबला एक बार फिर वो दर्शक जो प्रसारण के साथ विलंब से जुड़ रहे हैं सागर अहलावत का है, ओनिएक्वेरे के साथ नाइजीरिया के बॉक्सर सुपर हैवीवेट क्लास में। रोहित टोकस फाइनल जाने से चूक गए, क्या सागर अहलावत जा सकते हैं सुपर हैवीवेट श्रेणी में? कुल मिलाके बॉक्सर्स ने भारत के लिए मेडल बटोरे हैं, अच्छी संख्या में मेडल बटोरे हैं। विनिका जरीन से हमें गोल्ड की आशा है। एक निराशा का विषय रहा है जरूर सुनील, लवलीना बोरगोहेन मेडल जीता था टोक्यो में जो एक हायर टूर्नामेंट माना जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स से, ऊंचे स्तर का टूर्नामेंट माना जाता है, उससे ऊंचा स्तर कोई है ही नहीं विश्व खेल में। तो उम्मीदें बिल्कुल थी कि लवलीना बोरगोहेन उसी फॉर्म को दोहराएंगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, बदकिस्मती से हो नहीं पाया। हमारी शुभकामनाएं लवलीना के साथ, अगले साल एशियन गेम्स आने को है और भी बहुत साल उन्हें प्रतिनिधित्व करना है देश का, तो इस निराशा से उभर कर बेहतर प्रदर्शन करें।
आखिरी मिनट इस तीसरे राउंड में, और थीबो जानती है कि वो काफ़ी कर चुकी है इस बाउट को जीतने के लिए, सिर्फ डिफेंड करती हुई, कोई रिस्क नहीं दिख रहा है थीबो द्वारा, और रिस्क लेने की ज़रूरत भी नहीं है उन्हें, बस दूर रहे, डिफेंड करे, और पहले दो राउंड को तो उन्होंने अच्छे मार्जिन से जीत ही लिया है। अपने जैब्स का इस्तेमाल करे, पॉइंट्स मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो भी डिफेंसिवली इस मुकाबले को अब जीत ले। आधा मिनट ही रह गया है आखिरी राउंड में। एक लेफ्ट जैब कनेक्ट हुआ है, पहले शेल गार्ड कर लिया था पाकर ने, लेकिन बिल्कुल 4-0 की ऐसी लीड थी, इसे आप आराम से डिफेंड कर सकते हैं। संतुलित ओ अपर कट की कोशिश, क्या सफाई से लैंड करवाया। आखिरी 10 सेकेंड इस बाउट के, और थीबो को मालूम है कि वो फाइनल जा रही हैं। बेहतरीन फाइटिंग थीबो द्वारा, और कैनेडियन समर्थक जो है यहाँ पर मौजूद वो जानते हैं कि थीबो ने जीत लिया है इस मुकाबले को। कॉन्फर्मेशन का है इंतज़ार, मगर जिस तरीके की बॉक्सिंग दर्शाई है थीबो ने, कोई भी ये नहीं कह सकता कि डिज़र्व नहीं करती है वो इस बाउट को जीतने के लिए। हाइलाइट्स देख लीजिए, चाहे वो जैब्स हो, क्रॉस हो, हुक्स हो या अपकट्स हो, थीबो ने अपने रेंज को बखूबी ढूंढ लिया है। पाकर कोशिश की थी, उन्होंने हेड मूवमेंट अच्छा था, लैटरल मूवमेंट अच्छा था, और Ladies and gentlemen, कोशिश पूरी थी, नतीजा आता हुआ। Unanimous decision for your winner, proceeding into the Commonwealth Games final. In the blue corner, representing Canada, Tamara Thiebaud. Tamara Thiebaud, पिछली बार सिल्वर जीता था और इस बार भी कम से कम सिल्वर इन्होंने अपने लिए कंफर्म कर लिया है।